दोस्तों, अगर आपका बजट 10,000-11,000 के अंदर में है और अगर आपको एक गेमिंग के लिए ही फ़ोन चाहिए, तो फिर दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आज का वीडियो आप एंड तक देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे फ़ोन बताऊंगा जो गेमिंग के लिए बेस्ट फ़ोन है 10,000 के अंदर में। तो कौन सा 3 फ़ोन है जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, ऐसे ही कॉन्टेंट और भी पाने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3rd नंबर पे जो फ़ोन मैं आप लोगों के लिए पिक किया हूँ वो है रेडमी की तरफ से रेडमी 9 पावर। ठीक है, ये भी दोस्तों गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। इसमें आपको मिल जाता है एक 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले और 60Hz का एक रिफ्रेश रेट। अगर डिस्प्ले देखा जाए तो दोस्तों डिस्प्ले आपको प्राइस के हिसाब से अच्छा मिल जाता है। IPS है, एमोलेड तो आपको इस बजट रेंज में 10,000 के अंदर में एमोलेड आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। ठीक है, एमोलेड चाहिए तो आपको 15,000 के ऊपर आपको पे करना होगा, तभी आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। ठीक है, तो IPS ठीक ठाक है इस बजट रेंज में। 10,000-11,000 के अंदर में दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डिस्प्ले आपको अच्छा मिल जाता है। आपको एक बार सबसे हाईलाइट है इस फ़ोन में, आपको एक बार 6000 mAh की एक बैटरी मिल जाता है। उसके साथ चार्ज करने के लिए आपको 80W का एक फास्ट चार्जर दिया गया है। 6000 mAh बैटरी दोस्तों आप समझ सकते हो, 11,000-10,000 के अंदर में आपको 6000 mAh की एक बिग बैटरी मिल जाता है, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, और कैमरा सेटअप आपको पीछे आपको 48MP का मेन कैमरा मिल जाता है। उसके साथ आपको और 2 कैमरा मिल जाता है, 8+2, और फ्रंट में आपको 8MP का एक सेल्फी कैमरा मिल जाता है। कैमरा वाइज भी दोस्तों प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन के मेन प्रोसेसर, यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है, मतलब प्राइस के हिसाब से दोस्तों अच्छा। ठीक है, और यहाँ पर आपको गेमिंग की बात करें दोस्तों, आप इसमें हाई सेटिंग्स में PUBG, फ्री फायर जो भी हो अच्छे से कर पाओगे, हेवी गेमिंग भी आप इसमें बेझिझक खेल पाओगे। प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली प्रोसेसर अच्छा है। प्राइस की दोस्तों बात करें तो दोस्तों ये 2 वेरियंट में इंडिया में लॉन्च हुआ है, 4GB 64GB और 6GB 128GB। तो 4GB 64GB इसका प्राइस है 10GB। ठीक है, 11,000 में आपको आपको ये फोन मिल जाएगा, और 6128 13,499 रुपीज़। तो 11,000 में दोस्तों ये फोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गेमिंग के लिए। और 2nd नंबर पे जो है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 30A। ये आपको मिल जाता है 6.5 इंच का HD प्लस IPS डिस्प्ले, 6000 mAh की बैटरी विद 180W का एक फास्ट चार्जर। डिस्प्ले बैटरी चार्जर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है। आपको यहाँ पर मिल जाता है प्रोसेसर MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इसमें गेमिंग प्राइस के हिसाब से डे टू डे टास्क पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको इस फोन में नहीं आने वाला, काफ़ी ज़्यादा स्मूथली आप इसमें गेम खेल पाओगे, मतलब ठीक ठाक है ये प्रोसेसर, अच्छा है गेमिंग के लिए। और आपको पीछे 13MP का कैमरा मिल जाता है, और फ्रंट में आपको 8MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। प्राइस दोस्तों 3GB रैम यहाँ पर आपको 2 वेरियंट मिलता है, 3GB रैम 32GB स्टोरेज और 4GB रैम 64GB स्टोरेज। तो 3GB रैम 32GB स्टोरेज इसका प्राइस है 8999, और 4GB रैम 64GB स्टोरेज इसका प्राइस है 9999। 3GB रैम ये थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 4GB रैम 64GB आप खरीदो 10,000 में। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोन है रियलमी नार्जो 30 है गेमिंग के लिए। और दोस्तों 1st नंबर का जो फ़ोन है वो है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 10S, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। आप सुन लो इसके फुल स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक 6.8 इंच का HD प्लस IPS डिस्प्ले और 90Hz का एक फास्ट रिफ्रेश रेट। आप समझ सकते हो दोस्तों 6.8 इंच का मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको बिग डिस्प्ले आपको मिल जाता है, HD प्लस है पर 90Hz का एक फास्ट रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर दिया गया है। डिस्प्ले वाइज डिस्प्ले आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मिल जाता है, बिग डिस्प्ले आपको मिल जाता है। बैटरी दोस्तों आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको 6000 mAh बैटरी दोस्तों मतलब कॉमन हो चुका है अभी। ठीक है, और 18W का चार्जर आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी दोस्तों आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर भी मैं सेमी बताया रियलमी नार्जो 30 की जैसा ही गेमिंग के लिए आपको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला, गेमिंग अब इसमें बहुत ही स्मूथली खेल पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला। पीछे आपको 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा, 48+2+ और 2 AI लेंस। ठीक है, AI लेंस एक मिल जाता है, और फ्रंट में आपको 8MP का एक सेल्फी कैमरा मिलता है। प्राइस दोस्तों 6GB रैम 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसको आप परचेस कर सकते हो 9999। ठीक है, 10,000 में, और 6GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 10999। ठीक है, तो 4GB रैम 64GB स्टोरेज
9999 में, और इस इतना बड़ा आपको डिस्प्ले मिल जाता है, बैटरी मिल जाता है, प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है, कैमरा ठीक ठाक है, ऑलराउंडर मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनफिनिक्स हॉट टेन। एक बेस्ट मतलब वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन आप इनफिनिक्स हॉट टेन को बोल सकते हो, ठीक है। बेस्ट बजट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन गेमिंग के लिए भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोन है। तो दोस्तों मैं यही कुछ तीन फ़ोन है जो मैं आप लोगों के लिए पिक किया हूँ। इन तीनों फ़ोनों में से आप कोई भी एक स्मार्टफोन आप गेमिंग के लिए परचेस कर सकते हो, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। दोस्तों यही कुछ फ़ोन थे जो मैं आप लोगों के लिए पिक किया हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाओ वो भी नीचे अगर आप तो मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर से बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बना दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।